एक ही बात मुझे बार बार सुनने को आ रहा है कि लावा अग्नि 3 ले या फिर मोटो H50 फ्यूजन ले। अब मैं बताऊंगा कि ये एक बच्चों जैसा सवाल है। क्यों ऐसा बता रहा हूँ वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। अगर आप भी पैसा सेट करके बैठे हो, 21-22 हजार रुपए आपका प्राइस है और आप सोच रहे हो कि लावा अग्नि 3 ले या फिर मोटो का H50 फ्यूजन ले, कौन सा फोन मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, इस चिंता में आप डूबे हुए हो, तो मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक पूरा देखो। मुझे लगता है आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। मेरे चैनल में ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं, हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे जाकर और भी सजेशन और लावा अग्नि 3 के वीडियोस, मोटो H50 फ्यूजन की वीडियोस मेरे चैनल में देखने को मिलते रहे। अब मैं ऑन पेपर आपको कुछ नहीं बताने वाला, चार पांच ऐसे रीजन बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप खुद ही ठीक कर लोगे कि मेरे लिए कौन सा फोन लेना सही होगा। शुरू करते हैं डिजाइन से। अगर आप देखते हो लावा अग्नि 3 का जो डिजाइन है वो आपको पीछे के साइड में ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है, ग्लास बैक लेकर आता है, फ्रॉस्टी ग्लास बैक है और बहुत ही प्रीमियम फील होता है जब भी आप लावा अग्नि 3 को अपने हाथों में लेते हो। अदर साइड में जो मोटो 50 फ्यूजन है उसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैग देखने को मिलता है, जिसके साथ साथ आपको वीगन लेदर्स वगैरह देखने को मिलता है। और जितना तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, वीगन लेदर्स जो होते हैं वो 2-1 साल बाद जाके उठने लगता है अपने आप। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा गुमराह भी हो रहे हैं। डिजाइन के मामले में मैं क्लियर कट बताऊंगा कि लावा अग्नि 3 इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। डिस्प्ले दोनों का बहुत ही बेटर है। अगर मैं बताता हूँ दोनों के डिस्प्ले में कोई डिफरेंस है कि नहीं, सब माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। पहली तो बात यह है कि दोनों डिस्प्ले को अगर देखते हो तो कर्व डिस्प्ले यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। 144Hz का रिफ्रेश रेट आपको मोटो H50 फ्यूजन में मिल जाएगा, बट 120Hz का रिफ्रेश रेट लावा अग्नि 3 देता है। हालांकि रियल लाइफ में आप जब इस्तेमाल करोगे तब आपको पता भी नहीं चलेगा 144Hz क्या होता है, 120Hz क्या होता है। दोनों में उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, उल्टा 144Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है एज कम्पेयर एज 120Hz रिफ्रेश रेट। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। मोटो H50 फ्यूजन का जो डिस्प्ले है वो आपको लावा अग्नि 3 के डिस्प्ले से छोटा देखने को मिल जाता है। 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है मोटो H50 फ्यूजन में। अदर साइड में लावा अग्नि 3 प्रोवाइड करता है आपको 6.78 इंच का एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले। कहीं ना कहीं जाके बड़े डिस्प्ले में आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। मेरा खुद का मानना यह है कि थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो तो मजा ही आ जाए यार फोन इस्तेमाल करने। अब यही पर ही नहीं, जो PPI डेंसिटी है वो भी लावा अग्नि 3 का ज्यादा है। मोटो H50 फ्यूजन में आपको 395 PPI ओनली देखने को मिल जाता है, बट अदर साइड में लावा अग्नि 3 आपको इससे बेटर PPI प्रोवाइड करता है, 429 PPI। रैम एंड स्टोरेज के मामले में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट स्टोरेज टाइप जो है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करता है। लावा अग्नि 3 में UFS 3.1 मिलता है, अदर साइड में मोटो H50 फ्यूजन UFS 2.1 लेकर आता है। यही पर जाके ना ये फोन जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं UFS 2.1 के मामले में, जो कि आज से करीब 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। अभी के टाइम पे तो UFS 4.1 चल रहा है, लेकिन डिस्काउंट देके 20,000 के प्राइस रेंज पे अगर आप बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो तो मैं बताऊंगा UFS 3.1 के साथ लावा अग्नि 3 आपके लिए बेटर होगा। इतना सुनने के बाद बहुत सारे लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि मैं लावा का दलाल हूँ या फिर मैं लावा को प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई सेड दैट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लावा, ये मेरा खुद का ऑनेस्ट ओपिनियन है और मैं आपके साथ मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका भी जो पैसा है वो पानी में ना जाए। दो तीन माइनर सी चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चीज में जाने से पहले, ब्लूटूथ वर्षन और वाईफाई वर्षन में भी डिफरेंस आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा। हर तरफ से अगर देखो लावा अग्नि 3 में ब्लूटूथ वर्षन बेटर है, वाईफाई वर्षन आपको बेटर देखने को मिलता है क्योंकि ब्लूटूथ वर्षन 5.4 लेटेस्ट है लावा अग्नि 3 में एंड वाईफाई 6E का सपोर्ट है लावा अग्नि 3 के अंदर। लेकिन मोटो H50 फ्यूजन में ब्लूटूथ वर्षन 5.2 वाईफाई में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा, बट मैं इंटरनली बात करता हूँ और सबके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ इन चीजों। ये सब सुनने को आपको लग सकता है कि भाई मोटो H50 फ्यूजन बेकार फोन है, जी बिल्कुल ही नहीं। मोटो H50 फ्यूजन के अंदर में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज मिलता है जो कि लावा अग्नि 3 प्रोवाइड नहीं करता है। FM रेडियो, NFC, रिवर्स चार्जिंग, IP68 रेटिंग, ये सब कुछ आपको मोटो H50 फ्यूजन में मिल जाता है, बट आपको FM रेडियो, NFC, रिवर्स चार्जिंग ये सब कुछ लावा अग्नि 3 नहीं देता है। इसके अलावा भी अगर देखते हो तो मोटो H50 फ्यूजन के अंदर में आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिल जाता है, मतलब पानी के अंदर डाल के आप फोन को इस्तेमाल कर सकते हो कुछ समय के लिए। बट ऑन द अदर साइड लावा अग्नि 3 आपको ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिलता है, IP64 रेटिंग देता है। ये सब अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आपको अगर FM रेडियो चाहिए तो आप भाई मोटो H50 फ्यूजन की तरफ देखो, बाकी थर्ड पार्टी एप्स आते हैं FM रेडियो के, कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर सकते हो लावा वाले फोन के अंदर भी। और अगर आपको पानी में फोन डुबाना है, उसके लिए आप परचेज करना चाहते हो, तो मैं क्लियर कट बताऊंगा आप आग बंद करके अभी के अभी चले जाओ मोटो H50 फ्यूजन की तरफ। लेकिन आपको पानी में नहीं डुबाना है, बेस्ट एक क्वालिटी का फोन चाहिए तो बिल्कुल ही भाई इस तरफ आ जाओ आप मेरे भाई।
कैमरास के मामले में भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन के अंदर आपको सोनी के कैमरास दिए गए 50 मेगापिक्सल के बैक साइड के अंदर, बट लावा अग्नि 3 आपको एक सेंसर ज्यादा देता है। यहाँ पे आपको 58 और 8 मेगापिक्सल के तीन सेंसर मिलते हैं। अदर साइड में मोटो वाले फोन के अंदर में आपको 50 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ठीक है, बट बहुत सारी जगह पे जाके ना ये सब कुछ चीज फीके पड़ जाता है जब आप लावा अग्नि 3 कैमरा सेटअप को देखते हो। इसके अंदर एक वाइड एंगल लेंस तो आपको दिया ही गया है, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो कि इस प्राइस के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फोन प्रोवाइड करता है आपको आज के दिनों में 2024। मोटो वाले फोन में आपको सोनी का लीटिया 700 सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, बट क्वाड वेरियर प्रोसेसर सोनी का आपको मिलता है लावा वाले फोन के अंदर। दोनों में वैसा तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट मैं बताऊंगा मोटो के फोन के अंदर में जो फोटोज आते हैं वो ज्यादा क्लोज टू नेचुरल है, बट लावा फोन के अंदर बूस्ट हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू वैसे भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोटो H50 फ्यूजन में एक आपको एडवांटेज मिलता है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और जिससे आप अच्छे खासे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों ही फोन 4K 30fps वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, बट 16 मेगापिक्सल का सेल्फी आपको लावा अग्नि 3 प्रोवाइड करता है। रियल लाइफ में देखोगे तो मोटो H50 फ्यूजन का जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत बेटर है लावा अग्नि 3 के मुकाबले, बट मैं बताऊंगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा ऐसा कोई खराब चीज नहीं है, मुझे लगता है इससे भी बहुत सारे लोग निकाल सकते हैं अपना काम। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ, जो कि है इन दोनों का प्रोसेसर। मोटो H50 फ्यूजन में स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 देखने को मिल जाता है, लावा अग्नि 3 लेकर आता है MediaTek Dimensity 7300X। दोनों का क्लॉक स्पीड जो है वो अलग-अलग आपको देखने को मिलता है। 2.4 GHz में आपको Snapdragon वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 2.5 GHz में Dimensity वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही 4nm का प्रोसेसर है, दोनों में परफॉर्मेंस जो है वो टाइप ऑफ सिमिलर देखने को मिल जाता है, बट एक एडवांटेज इसके अंदर में है जो कि Dimensity 7300X प्रोवाइड करता है। ये जो प्रोसेसर है ये ड्यूल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। ये प्रोसेसर हमें फ्लिप फोन्स के अंदर भी देखने को मिल रहा था, अभी लावा ने इन फोन्स के अंदर में प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके ये प्रोसेसर बहुत बेटर है। इसका GPU भी थोड़ा ज्यादा तगड़ा है, गेमिंग परफॉर्मेंस में भी आपको इसमें बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 7s Gen 3। पर 7s Gen 3 भी बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, इसको भी आप बिल्कुल कम मत समझना, इस प्रोसेसर के साथ भी आप तगड़े तगड़े लेवल के गेमिंग कर सकते हो। बाकी देखो अलग अलग फोन्स के अंदर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जो मोटो वाला फोन है उसके अंदर चार्जर आपको मिल जाता है इस प्राइस के अंदर में, बट अगर आप बेस वेरिएंट लेने जाते हो लावा अग्नि 3 का तो एकदम बेस वेरिएंट जो है उसमें आपको चार्जर नहीं मिलता, बट अगर आप 1000 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वही चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। ये अपने अपने जगह पर जाके ये अपने प्राइस के अंदर सेलिंग वगैरह कर रहा है, बट चार्जर में भी डिफरेंस थोड़ा बहुत है। मोटो वाले फोन में 68 वाट है, इसमें 66 वाट है, वैसे तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। ये अलग अलग टाइप के डिफरेंस पैदा करते हैं, बट एक ही टाइम लेते हैं सब फोन चार्ज होने में, 5000 mAh का बैटरी दोनों में ही है। बट ओवरऑल जो कंक्लूजन है, हम लोग कौन से वाले फोन की तरफ जाए, मैं आग बंद करके बता सकता हूँ, आप एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को परचेज करो जो कि है लावा अग्नि 3, और ये हर तरफ से आपको बहुत बेटर चीजें प्रोवाइड करता है। मैंने तो भाई एक्स्ट्रा डिस्प्ले के बारे में बताया नहीं आपको, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है इस फोन का। प्लस इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, ये चीज जो है ये सबसे अच्छी चीज है इस फोन के अंदर में। दूसरी चीज जो ये है, मेक इन इंडिया फोन है और ये लोग फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं, अपने घर आके आपको सर्विस सेंटर जाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरी कंपनियों का सर्विस सेंटर आपके बगल में है कि नहीं वो भी पता नहीं हमें। आप ढूंढने जाओगे तब भी आपको बहुत सारी जगह का चक्कर काटना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट मिलता है 2 साल का, और लावा अपने साथ जो है ये पॉलिसी ऑलरेडी बॉक्स के अंदर डाल के देता है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो उनके वेबसाइट के अंदर जाकर भी, और लावा के हर जगह सर्विस सेंटर आपको मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत तो देखने को नहीं मिलेगा। और आज तक यूट्यूब में ऐसा कुछ देखने को मिला भी नहीं है जो कि अदर्स ब्रांड फेस कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे आईफोन 13 के अंदर ग्रीन लाइन आ गए, मेरे S21 FE के अंदर ग्रीन लाइन आ गया, मैंने वीडियोस बनाए, ऐसा लावा के फोन में हुआ ही नहीं आज तक। नो डाउट भाई लावा अग्नि 3 इज बेस्ट गेम चेंजर फॉर यू। इसमें डुअल डिस्प्ले मिलता है, दोनों ही कर्व डिस्प्ले है। मुझे लगता है इस फोन को मैं खुद मेरे लिए भी परचेस करूंगा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इस फोन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। लावा अग्नि 3 की तरफ आप बंद करके जाओ, मेक इन इंडिया फोन है एंड आई शुड गो फॉर इट ऑल्सो।